जी हाँ नमस्कार, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शिवसेना ने अपने 80% जो योगदान जो है समाज सेवा को लेके बात करती है। शिवसेना का ये कहना था कि हम जो है 80% तो समाज सेवा करते हैं, 20% ही राजनीति करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं शिवसेना ने ये दिखा देने की कोशिश कर दी कि हम जो है कि दिल्ली के अंदर कितने बड़े समाज सेवक हैं। आज आप देख सकते हो जिस तरह से शिवसेना प्रमुख दिल्ली प्रदेश के जो चौधरी साहब हैं, किस प्रकार से ये एक एम्बुलेंस का शुभारंभ कर दिया। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का उत्साह है कि शिवसेना के इस कार्यक्रम को देखते हुए एक नई पहल दिल्ली में प्रारंभ हुई है। जिस तरीके से देखो ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कुछ अपने लोगों को क्या वो दे रहे हैं और क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसमें आइए हम देखते हैं त्रिपुरी प्रमुख को क्या कुछ 80% जनसेवा का भाव रखते हैं। हमारा मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और ये एक पुण्य का काम है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी पूरे हिंदुस्तान में शिव सैनिकों ने यथा संभव सहयोग मानवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए निरंतर सहयोग किया है। और ये भी सहयोग में शिवसेना के बढ़ते कदम में उसी श्रृंखला में यह कार्य भी है। हमारा विश्वास है कि इससे जनता को एक सहयोग मिलेगा, एक मदद मिलेगी, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और यही सच्ची देशभक्ति है। सर, लगातार आपने लॉकडाउन में पर डे जानवरों को, जीव जंतुओं को और इंसान को, जो गरीब तबके के जरूरतमंद तबके के लोग हैं, उनमें सबने आपने राशन वितरण और राशन किट भी दिया है, जिसमें फल फ्रूट सैनिटाइज किट था, तो ये अभी तक क्या चल रहा है क्या ये? सर ये आपका अभी एक हफ्ते पीछे तक बिल्कुल निरंतर चलता है, प्रतिदिन चला है। और अब जो जैसे हमारे पास हमारे जो शिवसैनिक कार्यालय जो हैं, शिवसेना के जो कार्यालय हैं, वहाँ पर लोग जो हैं संपर्क करते हैं कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे राशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमारे शिवसैनिक जो हैं वो राशन की किट जो है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो प्रतिदिन, तो एक हफ्ते पहले तक तो एकदम प्रतिदिन चला था लॉकडाउन से लेके तब तक। बाबूलाल जी, पूरे हिंदुस्तान में एक चीज की चर्चा हो रही है जो शिव भोजन कहा जाता है। जी, शिव भोजन की क्या विशेषता, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे मेरा लास्ट सवाल है। सर शिव भोजन जो है, शिवसेना ने लोगों द्वारा वितरण किए गए खाद्य सामग्री को, चाहे वो राशन है, बना हुआ राशन है, फल फ्रूट है, जल है, इन सबको जो नाम शिवसेना ने शिव भोजन दिया है। और हमारी भरकम कोशिश रही कि शिव भोजन से कोई वंचित ना रहे, जिनको जरूरतमंदों तक शिव भोजन जरूर पहुंचना चाहिए। और हमारी निरंतर ये कोशिश रही है कि वहां तक, अब भी वहां तक जरूरतमंदों तक शिव भोजन निरंतर वहां पर पहुंचे।